नाजरीन कशिर खबरनामे हेतु साहिल अमीन तुंद खदमत मज हाजिर तो खबर हूं तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खास खबर पे वादी मज महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक मौसम में तब्दीली मैदानी इलाकों में रूद तो बालई इलाकों में शीन पेन जारी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला संदे जादवा सवाल श्रीनगर में तकरीब सांस जम्मू कशीर हुंद वकार बहाल करने बापत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कांति कुर्बानी दिन बापत तैयार फारूक अब्दुल्ला राजौरी में भारतीय जनता पार्टी तरफ मीटिंग हुंद सांस असेंबली इंतखाबन हवाले पार्टी तरफ करने आमत तैयारी मुकम्मल श्यामलाल चौधरी तो नाजरीन पेश खबर हूं तफसील वादी कशीर में यदि महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक मौसम में रात पे तब्दीली वन आई यह दौरान वादी हिंदन मदनी इलाकों में रूद तो बालई इलाकों में शीन पेन जारी छ वादी में यदि वंद कालस दौरान शीन पेन मुकामी लूकन सेठा मुश्किल वेतरन पे तत वादी हिंदन सयाहती जायन पर मौजूद गैर मुकामी सयाह तरफ मौसम में तब्दीली यन खुशी हूं इजहार करना आमुत इलजन इंतजामिया तरफ मौसमी तब्दीली दौरान गुरेज बंडपुर तो श्रीनगर लेह वत आमद रफ्त बापत फिलहाल बंद कर आम हपर मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित सेमथन कश्तवाड़ वत इंतजामिया तरफ फिलहाल आमद रफ्त बापत बंद कर आम अब तो विंटर की मुझे लगता है आज से अच्छी तरह से शुरुआत हो गई हालांकि ये ज़्यादा पेशेंट हुई नहीं है एक दो दिनों में शायद ये मामला सबसाइड हो जाएगा तो इसकी भी ज़रूरत थी एक हिसाब से क्योंकि जो खुशकसाली थी इस वक्त बहुत सारी अब बीमारियां भी नज़ला जुकाम खांसी ये चीज़ें हो रही थी तो मुझे लगता है कि इसमें एक ठहराव सा आ जाएगा अलग एक यहाँ पे मुझे चिंता है एक चीज़ की जो हमारे गरीब लोग थे जो पहाड़ी इलाकों में बसे थे वो कभी कभार जंगल से लकड़ियाँ वगैरह लाते थे जलाने के लिए तो चूँकि उस पर अब रोक लगा है सरकार को उनकी तरफ से भी देखना होगा उनकी तरफ ध्यान देना होगा क्योंकि ये वो लोग हैं जो शायद कभी पार गैस भी नहीं खरीद सकते तो इसके लिए उनके लिए अगर इंतजाम किया जाता लकड़ी का भी ताकि वो जलाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि कश्मीर तो इसी चीज़ के लिए मशहूर है तो अगर यहाँ पे बर्फबारी नहीं होता तो फिर कश्मीर कहाँ तो कश्मीर तो मुझे लगता है बर्फबारी के बगैर अधूरा है तो ये सयाहों के लिए भी अच्छा है तो खासकर कश्मीर के लिए क्योंकि यहाँ का जो इरिगेशन है वो तो बिल्कुल स्नो डिपेंडेंट है अगर यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती तो फिर तो सीधी सी बात है बाकी जो साल भर हमें इरिगेशन के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लिहाजा ये बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है। खुशामद बात है कि आज स्नोफॉल फर्स्ट स्नोफॉल यहाँ पर हो रहा है तो टूरिज्म भी इसके वजह से बढ़ रहा है इंशाल्लाह अभी टूरिज्म भी बढ़ेगा जब बाहर ये न्यूज आएगी कि कश्मीर में स्नोफॉल हुआ है इवन गुलमर्ग में आज स्नोफॉल हो रहा है तो इससे टूरिज्म तो बढ़ना ही चाहिए नेचुरली सयाहों के लिए यही मैसेज है कि आप आइए आप बहुत देर के बाद यहाँ पर अभी स्नोफॉल स्टार्ट हुआ है आप आइए एंजॉय कीजिए कश्मीर का लुत्फ उठाइए और बर्फ का एंजॉय कीजिए। हम मेरठ से आए सब लोग ये अच्छा लग रहा है हमें तो इसी के लिए आए थे। हाँ बिल्कुल अभी मैं कह भी रहा था आपस में कि हम बहुत खुश नसीब है हमें आते मौसम बहुत अच्छा मिला है यहाँ गुलमर्ग के लिए चले और ये बर्फ गिरनी शुरू हो गई आना चाहिए जिस आना तो आए एंजॉय करें इस मौसम का जिन जिनका भाग्य अच्छा है से आए हैं यहाँ और आज हमारा खुश नसीबी है कि हम यहाँ गुलमर्ग का प्रोग्राम बनाया और हमें बर्फ देखने को मिल रहा है हम 32 लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ की जो पब्लिक है जो जनता है वो बड़ा ही बहुत ही कोऑपरेटिव है बहुत अच्छी है बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका हर चीज़ को तसल्ली से बताते हैं दिखाते हैं और ये तो जन्नत है वाकई में जन्नत है जिसे कहते हैं ना अभी तक तो केवल सुना था लेकिन ये वाकई में जन्नत है और बहुत मौसम के बदले मिजाज के साथ ही जिला किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में जहां बारिश के साथ बर्फबारी होने की खबरें हैं वहीं निचले इलाकों में भी देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है जिसके चलते कई दिनों से बनी सूखे की स्थिति से लोगों को राहत जरूर मिली है लेकिन इसी बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि सिंथन टॉप जहां की पहले से ही बर्फ जमा थी वहां पर फिर ताजा हिमपात होने की खबर है जिसके चलते उस सड़क के जल्दी खुलने के अब इम्कानात कम ही नजर आ रहे हैं। हम आपको बताते चलें कि वादी के साथ एक अल्टरनेट रोड होने के अलावा ये सड़क मड़वा सब डिविजन के मड़वा और वार्डन के लोगों के लिए अहम सड़क रास्ता था जो जिला हेडक्वार्टर के साथ जोड़ता है लेकिन अब बर्फबारी के चलते उनको भी बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अजय शान गुलिस्तान न्यूज़।
वादी कश्मीर में लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश और बर्फबारी के इम्कान जताए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि 5 दिसंबर के बाद से कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिशें और पहाड़ी इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी देखने को मिलेगी। आज सुबह से ही अगर कश्मीर वादी की बात करें तो अलग अलग जगहों पर मैदानी इलाकों में, जिसमें श्रीनगर भी आता है, लगातार बारिशें हो रही हैं और पहाड़ी इलाके जिनमें केरन, मच्छल, गुरेज, गुलमर्ग की अगर आप बात करें तो लगातार सुबह से ही दरमियानी दर्जे की बर्फबारी देखने को मिल रही है। महकमे मौसमियात की अगर बात करें उनके मुताबिक कश्मीर के अंदर आज देर रात से या फिर कल सुबह के आसपास श्रीनगर और कश्मीर के अन्य इलाकों में मौसम में एक सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन आज देर शाम तक कश्मीर के अंदर बर्फबारी या बारिश का हल्का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इससे पहले भी लगातार कई बार कश्मीर के अंदर इसी तरह की प्रिडिक्शंस जो है वो सामने रखी गई थी और पिछली आखिरी प्रिडिक्शन में ये बताया गया था कि 5 तारीख यानी आज से कश्मीर के अंदर बर्फबारी और बारिश का एक सिलसिला शुरू होगा। अगर ठंड की बात करें, कश्मीर के अंदर लगातार पिछले कुछ हफ्तों से ठंड में काफी इजाफा देखने को मिल रहा था। रात के जो नेगेटिव टेम्परेचर है उसमें भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार कश्मीर के अंदर जो टेम्परेचर है उसमें काफी सुधार देखने को मिल रहा है। और मौसम की अगर बात करें तो कल सुबह से या फिर आज देर रात के बाद से कश्मीर के अंदर मौसम के सुधरने के इम्कान बताए जा रहे हैं। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी के मैदानी इलाकों में अगर आज सुबह से ही बारिशें शुरू हुई, ताहम सेहत मुकाम गुलमर्ग में इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर आज जो है एक बार फिर 2 से 3 इंच बर्फबारी जो है रिकॉर्ड की गई। जहां बागबानी से जुड़े लोगों के चेहरे जो है पर चेहरे पर मायूसी देखने को मिली, वहीं सयाद से जुड़े लोगों के चेहरे भी इस बार खिल चुके हैं और काफी तादाद में सैती मुकाम गुलमर्ग की तरफ पर्यटक जो है वो पहुंच चुके हैं, वो बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। अब आने वाले दिनों में उम्मीद की जाती है कि वादी कश्मीर ज्यादा से ज्यादा सयाह आए ताकि सयाद से जुड़े लोगों के रोजगार में भी इजाफा देखने को मिलेगा। इश्फाक डार, गुलिस्तान न्यूज। नाजरीन कोशर खबरनाम तजारती वक्त पर पनाश वे टू सक्सेस वैलीज रनआउट कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर तजुर्बाकार और काबिल तरीन सातिजा साहिबान नीट, IIT, JEE, 11th, 12th एंड फाउंडेशन क्लासेस 8th, 9th, 10th की कोचिंग कराते हैं। अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए आज ही तशरीफ लाएं पनाश, नियर ट्रैफिक सिग्नल, हैदरपुरा श्रीनगर। कॉल 9419034477। Bright Career Institute, 27th year of excellence of preparing students for competitive exam. Registration open for session 21-22. Offers on spot. Mega scholarship for every student. Courses we offer: NEET, JEE, Mains Advanced, 11th Medical, Non-Medical, 12th Medical, Non-Medical, 11th, 12th Commerce. Feel free to contact 3rd floor, Madhu Complex, RC Road, behind Hotel Taj, near JK Bank, Avira Kadal Branch, Lal Chowk, Srinagar. Call 6006752050979. Worried about your career? Have a kick start with us.